उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में इस समय भूचाल आया है उसको देखते हुए देखना ये भी जरूरी है शहरी क्षेत्र से बाहर निकल के कि ग्रामीण अंचल में लोगों की क्या समस्याएं हैं। नेता तो वादे करके आते हैं और चले जाते हैं, मगर जनता के लिए किस किस समस्याओं का सामना करता है वो 5 वर्ष कोई देखने वाला नहीं होता है। आज हम पहुंचे हैं दातागंज क्षेत्र के 117 विधानसभा दातागंज क्षेत्र उसके ग्रामीण क्षेत्र में एक गाँव है। अगर बात इस गांव की करें तो दातागंज मियाऊ रोड पर बिरिया डांडी गांव पड़ता है और इस गांव में मैं पीछे दिखाना चाहूंगा महिलाएं भी बहुत संख्या में हैं। और क्या 2022 जो चुनाव चल रहा है उसमें किसकी सरकार बनाएंगी और समस्या अब तक जो है उन्होंने क्या क्या झेली है? ठीक है, हमारे साथ कुछ प्रोसाइडर हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे। बहन जी की सरकार बनेगी। क्या कोई बहन जी के ऐसे 4 कार्य बता दीजिए? बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाए और शिक्षा के लिए बहुत विकास किया है और जब भी उनका शासन आता है तो उनका उत्तम शासन रहता है हमेशा। राज रहता है तब वो जो है कानून का राज रहता है। अच्छा, 5 वर्ष बीत गए, यहाँ पर विधायक थे राजीव कुमार सिंह बाबू भैया, उनके कार्य क्या हैं, क्यों आप बहन जी को चुनना चाहते हो? 2017 में वो विधायक बन करके आए, 2022 में किसे रिपीट कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सरकार का सूपड़ा साफ हो गया, वो बताएं कैसे, क्योंकि जो सरकार इस बार जो सरकार आई है तो वो सिर्फ वादे करके आई है, जुमले करके आई है, झूठे वादे करके आई, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। कोई वादा पूरा हुआ वो बताओ? शिक्षा पे कोई बात करने वाला है ना? चिकित्सा पे बात करेगा, ना ही भुखमरी पे बात करेगा, ना समाज में जो हो रहे हैं अत्याचार पे बात करेगा, ना बलात्कार हो रहे हैं उन पे बात करेगा। बात किस पे होगी? इन पे कोई बात नहीं करने वाला, और मीडिया वही दिखाती है जो लोग वो लोग चाहते हैं। जी बिल्कुल, 2022 में भैया किसकी सरकार ला रहे हैं? BSP की। अच्छा, क्यों? उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, गुंडे बदमाश या तो यूपी के बाहर होंगे या जेल के अंदर। सबसे पहले शिक्षा की बात आती जब भी, कानून की बात आती जब भी। अच्छा ठीक है, बहन जी की सरकार में कानून बहुत अच्छा चला, शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा पे कोई देखने वाला नहीं है। जी भैया किसकी सरकार ला रहे हैं? नहीं लाया हम, किसकी लाएंगे? हाथी की पार्टी की। हम पढ़े ही ना, हमारा जानता हाथी की पार्टी की। ऐसा क्या दिखा हाथी की पार्टी? हाथी की पार्टी में सबको बराबर सम्मान मिल चले आए, पढ़ाई लिखाई हमारे हाथी की पार्टी ने निभाई का बहुत निभाई। यहाँ तो बब्बू भैया ने बहुत कार्य किए, हम कोच कार्य नहीं किया। अच्छा इंडिया आज जो है शहरी क्षेत्रों से निकल करके ग्रामीण अंचल में भी पहुंची है और ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है और गांव की जो जीवन है जिस तरह रुख कर देता है उधर सत्ताएं पलट देती है, सरकारें पलट देती है। आज हम बात कर रहे हैं दातागंज 117 विधानसभा से और यहां से जानेंगे ग्राम पंचायत है आज बिरिया डांडी और इस गांव के लोगों की क्या सोच है, 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं और उस पर हम आज चर्चा करेंगे। भैया 2022 में आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आप काहे भाग रहे हैं कैमरे से? आपका वोट बन गया? पहली बार वोटिंग करेंगे क्या? अच्छा, सपा की सरकार बना रहे हैं? सपा का तो बड़ा जलवा ही अलग है, बढ़िया। यूपी का जो है, यूपी का भाजपा का मंत्री सब काट लिया है, सब हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हैं सपा में। वो 7 विधायक के लिए सभी साथ लाए हैं और मंत्री टीम भी लाए हैं। क्या लगता है 7 विधायक से आप सरकार बना लेंगे? जब सपा में आ चुके हैं तो बहुत बहुत ज्यादा माहौल बदल चुका है। मगर आप एक चीज भूल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्या तो आ गए हैं सपा में, उनकी बेटी तो अभी भाजपा से बनाई है, वो उनसे मतलब नहीं है, वो सांसद है ना, बेटी का बेटा नहीं है वो, उनके लिए उन्हें कुछ अच्छा लगता है। एक परिवार में 2 पार्टियां कोई मतलब नहीं है, एक परिवार में 2 पार्टियां, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए मंत्री पद से अपने। रात तो एक चैनल को इंटरव्यू दे रही थी संघमित्रा मौर्या, कह रही थी पिता का अपना जीवन है। क्यों अपना जीवन? क्या वो बेटी नहीं है पिता की? बेटी नहीं होता परमेश पांडे बोले। आपको क्या लगता है सपा और भाजपा की लड़ाई में क्या आप वोट कहाँ दे रहे हैं? बीजेपी, वो BSP के लिए। अच्छा, BSP को। क्या लगता है बहन जी की सरकार बनेगी? अनुशासन उनकी सरकार में, अनुशासनहीनता करने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या लगता है आपको? हमको लगता है ये कि मतलब BSP की गवर्नमेंट बने और किसी की गवर्नमेंट नहीं। आप वोट किधर दे रहे हैं? हम BSP के वोट। बहुत बढ़िया,
आप भैया बहुत देर से देख रहे हैं। बोल देना। अरे क्यों रहे हैं? ठीक अच्छा आप किधर बोल कर रहे हैं? अरे हम तो बीएसपी दे रहे हैं हाथी वाली पार्टी को। अच्छा अरे बेकवाद है, हम बहुत परेशान हैं। अरे गाय महीना हो गया हार्म लेट गाय रखा था, दिन में बंदर रखाते क्या कर रहे हैं? सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार ने तो गौशाला आपको बनवाई। तो कहाँ गाय गौशाला कौन रखता है? आपके अधिकारी गौशाला में भूखी मर जाती है। गौशाला ने हत्याशाला बनवाई, हत्याशाला बनी। वेरी गुड वेरी गुड। योगी ने हत्याशाला बनवाई गौशाला की बजाय। गाय मर रही है, गाय मर रही है, गाय मर रही है, गाय मर रही है। आपके आस पास गौशाला है? गाय राज भगाना है, गाय से लोग परेशान है। किसान खेत क्या वाला हो रहा है? भाजपा को सत्ता से हटाना, दूसरी सरकार को लाना, चाहे कोई भी आ जाए चलेगी, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चलेगी। ऐसा क्या किया है भाजपा ने? ऐसा क्या किया? केवल झूठे वादे करके आई है, सिर्फ सत्ता हटाने के लिए झूठे वादे किए हैं। कौन कौन से झूठे वादे किए? 15 लाख खाते में आया, जो 4 करोड़ रोजगार मिल रहा था वो रोजगार किसी को मिला? जीएसटी से किसका फायदा हुआ? काला धन वापस आया। और जो हो रहा है, जितनी नौकरियां दे रहे हैं वो नौकरियां कहाँ गई? विकास की बात करें, विकास की बात करें तो विकास इतना हो रहा है कि भैया यहाँ तक विकास हो गया, यहाँ से विकास छोड़ के कोलकाता में भी बनवा के आ रहे हैं, अपने अमेरिका में भी जा रहे हैं वो विकास करवाने के लिए, यहाँ का विकास फुल हो गया है। अच्छा बहन जी का शासन आ जाता है तो ऐसे कौन कौन से अच्छे विकास होंगे यहाँ पर? जो विधायक बहन भाजपा बीएसपी से यहाँ पर जो है घोषित प्रत्याशी रचित गुप्ता है, अगर आप वहाँ उनको विधायक बना के ले आते हैं तो किसे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो है ऐसे बहुत जो 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 भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे समाज के लिए, जनता के लिए जो उचित कार्य होंगे वो कार्य करवाने की मांग करेंगे हम उनसे। ये तो आप भाजपा में भी कर सकते थे? नहीं भाजपा से कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हुआ है? 7 साल से देख रहे हैं, 7 साल से देख रहे हैं ना, 2 साल रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं, मांग तो कहाँ पूरी हो रही है? सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई है नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया विधायक बनते ही चीनी मिल बनवाएंगे यहाँ दाता। बिल्कुल बिल्कुल सही, कम से कम 5,000 लोगों के लिए रोजगार दिया जाएगा उन्होंने कहा है, विधायक बनाएंगे तब और गारंटी से बनेगा। जी बिल्कुल, अगर यहाँ के ग्राम पंचायत प्रिया डांडी के लोगों की आवाज दी जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आई तो सिर्फ जुमले और वादे करके आई। भारतीय जुमला पार्टी नाम रख देना चाहिए उसका, जो भैया ये कह रहे हैं क्या नाम रख देना चाहिए उसका? भाजपा का नाम बदल के भारतीय जुमला पार्टी रख देना चाहिए। और इस समय जो जो छोड़ रहे हैं ना लोग, तो इसके हिसाब से तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है पार्टी जो है उसका छोड़ो पार्टी जो बोलते हैं इसको, कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ो आंदोलन कर देना चाहिए इसका नाम। सब पार्टी छोड़ रहे हैं ना इसलिए, क्योंकि दिन पे दिन देख तो एक दो विकट गिरता जा रहा है, कोई मंत्री कोई विधायक इस्तीफा लेता जा रहा है, तैयार हो रहे हैं सब। जी बिल्कुल, ये थे ग्राम पंचायत बिरिया डांडी के लोग, कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार से रुष्ट हैं। इनको देखते हुए गांव में अभी तक जो कागजों में कार्य हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुँचा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, बधाई।